हेलो, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। पंजाबी डिश चैनल विच तुहाडा स्वागत है जी। अज आपां बनाउण जा रहे हां आलू गोभी की सब्जी। आलू गोभी की नवें तरीके नाल सब्जी आपां बेसण पा के बनाने हां। ते देखो जी, आह आपां गोभी लई सी मैं, ते गोभी नूं मैं चंगी तरह ऐन साफ कर लिया, कट लिया, धो लिया। आलू भी कट लए आ, कट के धो लए आ, गोभी भी कट के धो ली। ज़्यादा वड्डी नहीं कट्टी मैं, धो के उन्हूं रख लिया सी, सुक गई है। इहदे विच जो पाउणा आपां, हल्दी, नमक, थोड़ी लाल मिर्च ते धनिया पाउडर ते बेसण। ते इह आपां जी अपनी जिहड़ी आ गोभी ते आलू आपां इह कट के धो के रखिओ सी, इह सुक गए। हुण आपां इहदे विच मसाले पा के रलावांगे ते तुहानूं मैं बना के दिखांदी आं जी। बेसण पा के ते गोभी किन्नी टेस्टी बणदी आ। ते आ लओ जी, मैं दो चम्मच, दो सवा दो चम्मच मैं बेसण दे पा दित्ते इहदे विच। ते आ जो आपां रखिआ सीगा हल्दी, नमक, धनिया पाउडर ते लाल मिर्च पाउडर, इह आपां पा दित्ता इहदे विच। पा के इहनूं आपां चंगी तरह मिक्स कर लैणा। थोड़ा जिहा आपां इहदे विच तेल पाउणा आ तां कि जिहड़े मसाले आ उह गोभी दे नाल लग जाण चंगी तरह, इस करके आपां तेल पाउणा आ। ते दूजे पासे आपां कड़ाही दे विच तेल पा के रखिआ। मैं तेल दा बहुत घट इस्तेमाल करदी हाँ, घट तेल पाउनी आ, ते इस करके थोड़ा टाइम लग जांदा बणने नूं सब्जी। हलो जी, मैं एक चम्मच पाया सी उधर, तीन चम्मच मैं इधर तेल दे रखे हो कढ़ाई च पा के, ते उहनूं आपां चंगी तरह मिक्स कर लैणा। तेल दे नाल जिहड़े मसाले आ, हल्दी, मिर्च, नमक, उह आपणा इहनूं गोभी नूं आलूआं नूं चंगी तरह लग जाऊगा। ते इहनूं आपां रला दित्ता, देख लो ऐन चंगी तरह लग गया। उधर आपणा तेल जिहड़ा ऐन गर्म हो गया। ते हुण आपां जिहड़ी आपणी सब्जी आ मसाले रलिआं वाली, इहनूं फ्राई करांगे। घट गैस करके इहनूं फ्राई करना, नहीं तां थल्ले लगी जाऊगी इह, क्योंकि मैं तेल घट पाया। अगर तुसीं तेल ज़्यादा पाउंदे आ तां फिर उद्दे तल के कढ सकदे आ। ते मैं बहुत घट तेल पाउंदी हां जी हर एक चीज़ दे विच। ते आ लओ जी, आपां इहनूं घट गैस दे उत्ते फ्राई करना, आलूआं नूं वी, गोभी नूं वी। ते इहनूं आपां टाइम दी लिमिट नहीं हैगी, इहनूं आपां थोड़ा विच दबा के देख लैणा आ वी इह अद्धी नालों ज़्यादा पक गई आ। ते आपणी आ जिहड़ी आलू गोभी आ इह फ्राई हो गए आ, मैनू हो गए आ जी 5-7 मिनट हो गए मैनू इहनूं फ्राई करदी नूं। ते हो गए आ 7-8 मिनट हो गए मैनू, ते आलू गोभी जिहड़े आपणे तकरीबन 80% पक गए आ इह। ते इहनूं आपां कढ लैणे आ, मसाले आपां इहदे विच रलाए आ सारे, उसे कढ़ाही दे विच आपां दुबारा तेल पा के इहदा तड़का तैयार करदे आ। ते देखो जी, तुसीं भी बनाओ इदां आलू गोभी फ्राई करके, थोड़ा बेसण पा के, बहुत टेस्टी बनदी ग्रेवी वाली गोभी, बहुत वधिया बनदी आ। और तेल मैं रखिआ सी गर्म हो गया। आ थोड़ा मैं साबत मसाला रखिआ सीगा, काली मिर्च, जीरा, धनिया, दालचीनी, साबत मसाला सी अद्धा कु चम्मच, मैं वह पाता अद्धा पौना चम्मच। तो बाकी भी जिहड़ा मसाला है आपां इहदे विच उह भी पावांगे। आ राई आ, हिंग वा ते जीरा आ, इह भी साबत आपां इहदे विच पा दित्ता। ते इह पा के भी इहनूं थोड़ा फ्राई करके फिर आपां प्याज पावांगे इहदे विच। ते तुसीं भी इदां बनाओ जी आलू गोभी। तो साढ़े चैनल नूं सपोर्ट करन लई, साड़ी वीडियो देखण लई तुहाडा बहुत बहुत सारिआं दा धन्नवाद जी। तुसीं भी बनाओ, कमेंट करके दसो जी। आ लो जी, अपना मसाला जिहड़ा आ इह भुज गिआ। हुण आपां प्याज जिहड़े मैं 4 प्याज लए सी उह मैं पीस के रखे हो सी, विचे इहदे लसण पाए आ मैं, विचे प्याज आ, इह मिक्सी दे विच मैं इह ग्राइंड करके रख लए सीगे। ज़्यादा इहदा लिक्विड नहीं बनाउणा हैगा, थोड़े मोटे जिहे रखणे प्याज आपां जिहड़े मिक्सी 'च भी करने आ ना, थोड़े मोटे रखणे आ। ते अपना जिहड़ा प्याज ते लसण वा ना इह मसाले आ इह अपना सारा भुज गिआ है। हुण आपां टमाटर, अदरक ते हरी मिर्च, थोड़ी मैं लाल मिर्च पाई सीगी, बाकी आपां हरी मिर्च पाउणी आ। ते आ मैं उहदा पेस्ट बना के रखिआ सीगा, एक टमाटर लिया मैं, ते 2 इंच अदरक लिया सीगा, 4 हरियां मिर्चां लईआं, उहनां नूं मैं पीस लिया सीगा। पीस के हुण मैं पा दित्ता मैं चम्मच एक मलाई जिहड़ी उह फेंट के रखी, हुण आपां पोहे दे विच पा देवांगे। मलाई दे नाल इहदा जिहड़ा टेस्ट आ, मलाई पा दो जां दही पा दो, इहदा टेस्ट जिहड़ा अलग हो जांदा। इक तां आपां बेसण पा दित्ता ते साबते मसाले पा दित्ते, विच मलाई पा देणी, इहदे नाल सब्जी दा टेस्ट बहुत वधिया बण जांदा। आ मैं एक चम्मच जिहड़ा फेंट के रखिआ सी मलाई दा, उह आपां पा दित्ता आ नाल ही। इहनूं आपां हुण चंगी तरह सेक लवावांगे तां कि मलाई दे विचों जिहड़ा घी आ उह बाहर आ जाऊगा, ते मलाई भी चंगी तरह इहदे विच ऐन झस हो जाऊगी, भुज जाऊगी, मसाले भी भुज जाऊगे। फिर आपां इहदे विच पाणी पाउने आ। अपना मसाला जिहड़ा आ उह भुज गिआ आ, देख लो ऐन छड दित्ता आ कड़ाही ने। ते मैं तेल घट पाया, तेल ज़्यादा पाऊंगी तां उह वैसे ही नहीं थल्ले लगना। हुण मैं इहदे विच पाणी पा दित्ता आ, ते पाणी पा के इहनूं आपां पकावांगे। इहनूं आपां 2-3 मिनट इहनूं पकावांगे। रिझण लग गिआ आ अपना जिहड़ा प्याज तड़का आ अपना। ते पाणी तुसीं ज़्यादा पाउणा, ज़्यादा भी पा सकदे आ।
ਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕਾ ਤਿਆਰ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਉਹ ਰਿੱਝਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਭੀ ਰੱਖੀ ਉਹ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 80% ਆਪਣੀ ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਉਹ ਆ, ਆਲੂ ਵੀ ਪੱਕੇ ਉਹ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੇਕ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਵੋ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਟੇਸਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ। ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਧਨੀਆ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਓ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀ, ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਬੇਸਣ ਪਾ ਕੇ, ਮਲਾਈ ਪਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈੱਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਜੀ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਡੋਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।